अगर कोई देश दूसरे देश को न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है तो इससे टेंशन पैदा होती है। अगर हालात ज्यादा खराब हो जाएं, तो शेयर मार्केट डाउन हो जाता है और देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का तानाशाह ऐसा क्या करता है कि वो जब भी न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है उसकी इकोनॉमी ग्रो कर जाती है और उसके यहाँ पैसों की बारिश धन धनादन होने लगती है। साइबर अटैक्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स जैसे और भी बहुत सारे काले कारनामे हैं जो यहाँ का सोर्स ऑफ इनकम है। बने रही हमारे साथ बिल्कुल आखिर तक। साइबर क्राइम के मामले में नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया में बहुत ही बदनाम है। इस मामले में उत्तर कोरिया का दी लाजारस ग्रुप बड़ा फेमस है। साइबर हैकिंग और क्राइम के मामले में इस ग्रुप ने पूरी दुनिया में बड़े डेंजरस काम किए हैं। साइबर हैकिंग के मामले में ये लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि नॉर्थ कोरिया का एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी बन गया है। इस ग्रुप के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने लोग इसमें काम करते हैं और उनकी वर्किंग स्ट्रेटजी क्या होती है। इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन इतना तो तय है कि वर्ल्ड के डेंजरस साइबर रोबर्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो चलिए आपको बता देते हैं। हालांकि 2016 में बांग्लादेश की बैंक से $1 बिलियन की चोरी करने का टारगेट लाजारस इस ग्रुप में सेट किया गया था, लेकिन इस चोरी की प्लानिंग काफी समय से चल रही थी और इसे एग्जीक्यूट साल 2015 से करना शुरू कर दिया गया। इसके लिए हैकर्स ने फिलीपींस की राजधानी मनीला के रिजाल कमर्शियल बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी RCBC के एक बैंक में 5 अकाउंट खोले और इसके बाद श्रीलंका ने एक NGO फाउंडेशन शुरू की। इन तमाम प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद बारी थी हैकिंग के जरिए पैसा निकालने की डेट तय की जाए। इसके लिए इन्होंने बांग्लादेश को चुना क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है। वहां पर साल 2016 के फरवरी महीने के 4 और 5 तारीख को थर्सडे और फ्राइडे था, इसलिए वहां छुट्टी थी, जबकि 6 और 7 फरवरी को अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक में सैटरडे संडे होने की वजह से छुट्टी थी। लगातार न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक और बांग्लादेश की बैंक के बीच जो कनेक्टिविटी थी वो इस बात को लेकर थी कि बांग्लादेश का बैंक इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए अपना कुछ पैसा FRB में रिजर्व रखता है। पैसा तो बांग्लादेश की बैंक से निकला था, लेकिन बेसिकली वो पैसा FRB में रिजर्व था। चोरी की प्लानिंग पूरी हो गई तो लोगों के बैंक अकाउंट पहले से ही हैक कर लिए गए। बैंक का सर्वर भी हैक कर लिया गया और $951 मिलियन के 35 ऑर्डर FRB में प्लेस किए गए। उस समय किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। FRB और बांग्लादेश की बैंक के बीच ट्रांजैक्शन से पहले कोड शेयर किए जाते थे। इसकी वजह से ऑथेंटिकेशन चेकिंग के दौरान 35 में से 30 ऑर्डर नल हो गए, लेकिन अभी भी 5 ऑर्डर प्रोसेसिंग में थे। इनमें से एक ऑर्डर और रिजेक्ट हो गया क्योंकि हैकर्स ने लंका में स्थित अपनी NGO फाउंडेशन में फाउंडेशन की स्पेलिंग गलत लिखती थी, इसलिए अपना लिखा हुआ शब्द फाउंडेशन प्रोनाउंस होता था। लेकिन इसके बावजूद कर्ज की किस्मत इतनी जोरदार थी कि जिन 4 ऑर्डर को इन्होंने प्लेस किया उसी के जरिए उनके पास $81 मिलियन पैसे ट्रांसफर हो गए। लेकिन ये पैसा ट्रेस न हो पाए इसलिए इसे कसिनो में सर्कुलेट किया गया। इसके बाद इस पैसे को पूरी दुनिया में सर्कुलेट करते हुए रूम नंबर 39 में कलेक्ट किया गया। सो बी केयरफुल, बैंक ट्रांजेक्शन के समय स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखिए और पैसा हमेशा ईमानदारी से कमाइए। इसके अलावा इनके और भी साइबर क्राइम और फ्रॉड के मामले सामने आए हैं जहां इस ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट रहा है। लेकिन इसके ठीक एक साल बाद यानी 2017 में इन्होंने एक और बड़ा फ्रॉड किया और $1.3 बिलियन हासिल किए। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में हेराफेरी करके ये पैसा कमाया था। साल 2019 में दुनिया के 5 बड़े साइबर क्राइम के जरिए इन्होंने $49,000 की लूट की थी। साल 2020 में एस्ट्रोजेनिका हॉस्पिटल में हैकिंग करके COVID-19 के डेटा को रूम नंबर 39 में पहुंचाया। अब आप सोच रहे होंगे आखिर रूम नंबर 39 में ऐसा क्या है और ये कहां मौजूद है, तो चलिए आपकी क्यूरियोसिटी का करते हैं दी एंड और ये सीक्रेट भी हम रिवील कर देते हैं। रूम नंबर 39 उत्तर कोरिया के प्योंगयांग शहर में मौजूद है जो यहाँ की राजधानी भी है। यहाँ पर एक वर्कर्स पार्टी बिल्डिंग है जो 24 घंटे आर्म फोर्सेस से प्रोटेक्टेड है, यानी कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस बिल्डिंग और इसके कमरे के बारे में पूरी सीक्रेसी दुनिया से मेंटेन करके रखी जाती है। हालांकि यहाँ पर ये जानकारी शो होती है कि रूम नंबर 35 इंटेलिजेंस और रूम नंबर 38 फाइनेंशियल ऑफिस है और रूम नंबर 39 सबसे सीक्रेट मगर सबसे इम्पोर्टेंट और डेंजरस ऑफिस है और सबसे बड़ी बात इलीगल है।
इलीगल इसलिए क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी देशों की करेंसी प्रिंट की जाती है, स्पेशली अमेरिकन डॉलर प्रिंट करके अमेरिका को ही चूना लगाया जाता है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सभी नकली करेंसी होती है। इसी रूम में ड्रग्स की डील भी होती है, आर्म्स और एनिमेशन की डीलिंग भी यही होती है। नॉर्थ कोरिया के लिए ये रूम इन लीगल तरीके से करेंसी जनरेट करता है और यहीं से नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए फंडिंग भी की जाती है। इसी रूम में बैठकर हैकर्स पूरी दुनिया में साइबर क्राइम करते हैं, साइबर हैकिंग करते हैं और दूसरों के पैसों की लूट करते हैं। किम जोंग उन दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को आर्म और एनिमेशन सप्लाई करने के साथ साथ एम मेथाइल एंथरीन ड्रग्स की सप्लाई करता है। स्पेशली चीन में इस तरह के ड्रग्स की तस्करी ज्यादा की जाती है। मेड इन चाइना के नाम से कपड़े, फोन, हैंडबैग और दूसरे यूजफुल आइटम बना करके उसे इनलीगल तरीके से चीन के नाम से पूरी दुनिया के मार्केट में प्लेस किया जाता है। आपने और हमने भी कभी ना कभी इस तरह की चीजों का यूज किया होगा और अनजाने में ही सही, मगर नॉर्थ कोरिया के इस काले कारनामे को सपोर्ट भी किया है और इन प्रोडक्ट के जरिए हमारी जेब से पैसा निकलकर किम जोंग उनकी जेब में चला जाता है। रूम नंबर 39 से ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरा रैकेट चलाया जाता है और उसे कंट्रोल किया जाता है। दरअसल यहाँ के वर्कर को स्कल्पचर बनाने के लिए अच्छी तरह से ट्रेन किया जाता है क्योंकि किम जोंग उन उनके पिता और उसके दादा की मूर्तियां बनाने में ये काफी एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इन वर्कर से मूर्तियां बनाने और कंस्ट्रक्शन का काम लिया जाता है। नॉर्थ कोरिया से इन लोगों को रशिया, पोलैंड, कतर, चाइना के कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर बनाकर भेजा जाता है। इनके साथ नॉर्थ कोरिया के सिक्योरिटी फोर्स का एक ग्रुप भी रहता है जो इन पर न केवल नजर रखता है बल्कि इनसे 24 में से 20 घंटे काम भी लेता है। बदले में इन्हें खाने के लिए उतना ही भोजन दिया जाता है जितने में ये जिंदा रह सके, फैसिलिटी उतनी ही मिलती है जितने में कंट्रोल कर सके। केवल 4 घंटे में ही इन्हें सोना और खाने पीने का काम करना होता है, बाकी 20 घंटे लगातार काम करने के बाद जो सैलरी इन मजदूरों को मिलती है वो सीधा किम जोंग उनके अकाउंट में चली जाती है और उन्हें वहां से 1 रुपया भी नहीं मिलता। कुल मिलाकर वहां के मजदूरों को देश से बाहर जाकर भी बेगार करनी पड़ती है, लेकिन यही बिहेवियर वहां की महिलाओं के साथ भी होता है। वहां की खूबसूरत लड़कियों को विदेशों में भेजा जाता है, वहां के रेस्टोरेंट में वो ड्रिंक सर्व करती हैं, सिंगिंग और डांसिंग स्किल्स के लिए पैसा कमाती हैं, और इसके साथ इनका असली काम होता है वहां आने वाले मेल कस्टमर को ब्लॉ जॉब देना, उनका बिस्तर गर्म करना और उन्हें खुश रखना। इस तरह जो पैसा आता है वो भी किम जोंग उनके अकाउंट में जाता है। ये बात तो आपने नोटिस की होगी कि लगभग हर 1.5 साल के इंटरवल में नॉर्थ कोरिया से धमकियां आना शुरू हो जाती है, बम फोड़ दूंगा, पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा, मेरे पास न्यूक्लियर, हाइड्रोजन और परमाणु बम है, कुछ भी फोड़ के दुनिया खत्म कर दूंगा। दुनिया सोचती थी कि इस तरह की धमकी कोई अपनी सनक की वजह से ही दे सकता है, मगर ये धमकी देने वाला तानाशाह कितना डेढ़शाना है, आइए इस बात को समझते हैं। जैसे एक किम की तरफ से एटॉमिक या न्यूक्लियर वेपन के यूज करने से रिलेटेड स्टेटमेंट आता है, दुनिया की मीडिया इन खबरों को टेलीकास्ट करने लगती है और पूरी दुनिया में एक जबरदस्त टेंशन और पैनिक क्रिएट हो जाता है, वर्ल्ड पीस डेंजर जोन में चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद नॉर्थ कोरिया को अमेरिका की तरफ से करोड़ों की हेल्प मिलती है, उसे पैसा मिलता है। नॉर्थ कोरिया को कब और कितना पैसा दिया जाता है इसका तो ठीक ठाक अनुमान नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग साल 1995 से 2008 तक $1 बिलियन की हेल्प अमेरिका नॉर्थ कोरिया की कर चुका है। इस टाइम पीरियड में $1 बिलियन कम नहीं होता और वो भी केवल इसलिए ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। हालांकि किम जोंग उनकी बचकानी हरकतें ज्यादा दिन तक नहीं चली और उस पर कई तरह के सेक्शंस लगा दिए गए। इसके बाद सीक्रेटली यूएस ने नॉर्थ कोरिया की कब कितनी हेल्प की है इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और इन्फॉर्मेशन नहीं है। उत्तर कोरिया के सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जानने के बाद आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट में बताना लिखकर। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।